गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सरल लेकिन गुप्त श्री राम जी के मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसका प्रयोग करके साधक बलवान से बलवान और शक्तिशाली शत्रु को भी नष्ट कर सकता है, या एक से अधिक शत्रुओं को, या गुप्त और छुपे हुए शत्रुओं का भी विनाश कर सकता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि सच्चा राम भक्त इसका प्रयोग करके कठिन से कठिन शत्रु पीड़ा से जल्द मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस शत्रुनाशक मंत्र का वर्णन श्री राम रहस्य उपनिषद में मिलता है, और इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की है। इस मंत्र का प्रयोग साधक किसी भी दिन कर सकता है। इस मंत्र को बोलने के लिए किसी भी प्रकार की दिशा, आसन, माला इत्यादि का बंधन नहीं है। साधक इस मंत्र को सवेरे या रात को सोने के पहले 7, 11 या 21 बार बोल सकता है। मंत्र बोलने के पहले साधक ने इस प्रकार से ध्यान लगाना है। अपने हाथ में वज्र जैसा ज्वलंत बाण लेकर रथ पे विराजमान प्रभु श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर रहे हैं। इसके बाद साधक ने अपने शत्रु, या अगर एक से ज़्यादा शत्रु हो तो शत्रुओं, और अगर गुप्त शत्रु हो या शत्रुओं का नाम मालूम नहीं है तो उनके बारे में सोचना है, और फिर मंत्र का वाचिक जाप शुरू करना है। इस मंत्र में प्रचंड शक्ति है, और इसे अगर साधक अत्यंत शांत चित्त से प्रभु श्री राम जी पर भक्ति रखकर बोलेंगे तो इसका असर जल्द प्राप्त होगा। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते वीर रामाय सकल शत्रुन हन हन स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए। ओम नमो भगवते वीर रामाय सकल शत्रुन हन हन स्वाहा। मैं आपको यह मंत्र वापस एक बार सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वीर रामाय सकल शत्रुन हन हन स्वाहा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।